किसान के ट्रैक्टर परेड से वापस आ रहे हैं, लेकिन वापस आने से पहले आप लोगों को उस नज़ारे को बयां कर देते हैं। शायद आप लोगों ने अलग अलग जगहों से देखा भी होगा, लेकिन हमारी नज़रों ने जो देखा वो आपको बता देते हैं कि जहां तक आपकी नज़र जाए वहां तक सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर नज़र आ रहे थे, किसान नज़र आ रहे थे। उन ट्रैक्टर्स के ऊपर किसान यूनियन के झंडे और देश के तिरंगे नज़र आ रहे थे। लाखों की तादाद में लोग इस परेड का हिस्सा थे, हम उसके साक्षी बने, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन जब वापिस आ रहे थे तो इस आंदोलन के बारे में एक रंबाराट मैच रहा था मीडिया में, और अंधभक्त जिसने आप कहा करा वो इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी परेड को सिर्फ एक घटना से तोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो लाल किले पे झंडे वाली घटना हुई है। मतलब कमाल की बात ये है कि ये लोग इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, ये मीडिया और अंधभक्त दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ये लोग ऐसा ड्रामा कर रहे हैं कि जैसे इस घटना से पहले तो इस आंदोलन का पूरा समर्थन कर रहे थे, इस किसान आंदोलन में इनके 10-12 लंगर चलने लग रहे थे। ईव इस आंदोलन या इस घटना के बाद है ना, इनकी ओपिनियन चेंज हो गई है। तो ये ड्रामा मत करो, हमें पता है मीडिया के बारे में भी और इन लोगों के बारे में भी कि आप लोग पहले दिन से इस आंदोलन के ख़िलाफ़ थे, आप पहले दिन से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, आज भी आप यही कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, ड्रामा है। ये ड्रामा क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि लाखों की तादाद में वहाँ पर किसान, लाखों की तादाद में तिरंगा झंडा, देश का ध्वज लहरा रहे हैं, वो इस मीडिया को नहीं दिखा। लाखों झंडों की वजह से मीडिया के लिए ये आंदोलन देशभक्त नहीं बना, लेकिन सिर्फ एक झंडे की वजह से ये आंदोलन सांप्रदायिक बन गया। ये कमाल की बात है, लाखों झंडे एक तरफ, एक झंडा एक तरफ, दोनों को तोल दिया सिर्फ एक घटना से। कमाल की बात यह है कि सिर्फ एक घटना से पूरे आंदोलन को कैसे तोला जा सकता है, सिर्फ एक आदमी से पूरे आंदोलन को कैसे तोला जा सकता है। अगर यही बात है तो हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने तो न्यायालय के ऊपर भी वो झंडे लहराए हैं जो उसके ऊपर नहीं होने चाहिए, और ये लोग उसके समर्थक हैं, उसके ऊपर बहस नहीं करते हैं। तो क्या आप लोगों को भी माना जाए कि आप लोग भी ये सब कर रहे थे? हमने तो यहाँ तक देखा है, एक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उसके लोग पाकिस्तान के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़े गए हैं, उनको देश की गुप्त सूचना देते हुए पकड़े गए हैं, आधिकारिक तौर पर उस संगठन के सदस्य हैं। तो क्या मान लिया जाए कि वो पूरा का पूरा संगठन पाकिस्तान का मुखबिर है, पाकिस्तान का एजेंट है? छोड़िए ना, और निम्न स्तर की बात करते हैं, जैसे ये मीडिया और ये जो अंधभक्त करते हैं उससे नीचे आ जाइए। हमने तो देखा है कि एक संगठन के लोगों के लड़कों के साथ में आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल होते हैं, लड़कों के साथ में, आई रिपीट। तो क्या मान लेना चाहिए कि वो पूरा का पूरा संगठन गे है? रियली में मैं जानबूझ के ऐसी बात कह रहा हूँ कि उसको चुभे और ऐसी बातें कहते हुए वो बार बार सोचे, लेकिन इस पूरे आंदोलन का सच क्या है वो आप लोगों को पता है। कुछ बिंदु मैंने नोट किए थे, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आज जो भी हुआ है उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, निश्चित तौर पर सोचना चाहिए कि यह आंदोलन इतना बड़ा है कि कोई 1, 2, 5, 10, 20, 50 नेता इसको नहीं चला रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो इतनी ताकतवर सरकार है, उसके पास इतनी पुलिस फोर्स है, इतना बड़ा प्रशासन है, बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इस आंदोलन को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सरकार ये क्यों मान के चल रही है कि ये जो 10, 20, 50 नेता हैं वो इस आंदोलन को इस तरह से कंट्रोल कर लेंगे? ये होता है और होगा, इस तरह की भावनाएं हैं। आपको समझनी चाहिए कि बहुत सारे लोग नेताओं के कहे से भी बाहर निकल जाते हैं, ये सबक लेने की चीज़ है। आपने दो महीने से अपना घर बार छोड़कर ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ये किसान सर्दी में मर रहे हैं, 150 किसानों की जान जा चुकी है, जान जा चुकी है 150 किसानों की। क्या इससे आपत्तिजनक कोई चीज़ हो सकती है? आज तक कोई प्रधानमंत्री बोला हो, इनका कोई मुख्यमंत्री बोला हो, उनके बारे में संवेदना के दो शब्द कहे हों, या इस मीडिया ने संवेदना के दो शब्द कहे हों? ये झंडे वाली घटनाएं तो किसी की जान जाने से तो छोटी ही होंगी, जाने जा रही हैं उसके ऊपर आप नहीं बोलते हैं, लाखों झंडे लहराए जाते हैं वो आप नहीं दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी की हरकत से, सिर्फ एक झंडे से पूरे आंदोलन को आप तोलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ की भावनाएं अब सही में बहुत सारे लोगों के काबू से भी बाहर हो रही हैं। आपको संवेदनशील तरीके से इसके बारे में सोचना होगा और आना होगा आपको आखिरकार मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है?
ये जो घटनाएं हो रही है, आंदोलन हो रहा है या ट्रैक्टर परेड हो रही है या लाल किले जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये तो बहुत बाद की घटनाएं हैं। इसकी जड़ क्या है? जड़ है 3 कृषि कानून, काले कानून, जिनको ये किसान वापस करवाना चाहते हैं। जड़ क्या है? किसानों की डिमांड ये है कि MSP की गारंटी सरकार दे, उनको उनकी फसलों का कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिले। मुद्दे तो ये हैं, आप इस मुद्दे से हट रहे हो, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बहस कर रहे हो। भी ये स्थिति आई ही क्यों? आपने आने ही क्यों दी? क्यों किसानों को अपना घर बार छोड़कर दिल्ली में आना पड़ा? क्यों इस तरह का आंदोलन करना पड़ा? क्यों 150 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्यों ट्रैक्टर परेड निकालनी पड़ी? क्यों लाल किले जैसी घटना होती है? ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार इसकी सबसे बड़ी वजह है। आप उस वजह को ही ख़त्म कर दीजिए ना, आप लीजिए 3 कानूनों को वापस और बताइए कि कब वापस ले लेंगे। आप बनाइए MSP की गारंटी का कानून। क्या किसान को उसकी फसल का कम से कम मूल्य नहीं मिलना चाहिए? क्या ये डिमांड करना भी गुनाह हो गया है? तो मुद्दों पर आइए, मुद्दों को भटकाइए मत। और बहुत सारे लोग टेलीविज़न के ऊपर जो आंदोलन को देख रहे हैं, जो खुद भी जानते हैं कि ये टेलीविज़न, ये मीडिया झूठ बोलती है, वो खुद भी एक कीड़ा होया करे कि भाई मैं आलोचक बन जाऊँ, मैं समीक्षक बन जाऊँ। भाई वो कीड़ा मत उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी घटनाओं से। इतने बड़े आंदोलन में ये बहुत छोटी सी घटना है, क्योंकि पहले दिन से ही आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर सारे के सारे गांधी नहीं हैं, वहाँ पर सारे के सारे विवेकानंद नहीं हैं, बहुत सारे उत्साही नौजवान भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किसान नेताओं के कहे पर नहीं चलते हैं। तो ऐसी चीज़ को सच में ही फिलहाल इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की जो मुख्य मांगे हैं, जो मुख्य एजेंडा है, जो आधार है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों को आप, जिनका मोरार आप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं सोच सकते कि वहाँ का मोरार क्या है, वहाँ का जज्बा क्या है, वो लोग किस जज्बे के साथ, किस मुद्दे के साथ इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो ये जो टेलीविज़न की फर्जी खबरें हैं, या जो फर्जी का आपका विश्लेषण है, जो अब इस वक्त जब हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब आप अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं को बिठा के, या फिर फर्जी किसान नेताओं को बिठा के, या फिर अपने लोगों को, अपने एंकर्स को बिठा के फर्जीवाड़ा कर रहे होंगे इस आंदोलन के साथ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है इन लोगों को, ना ही इंटरनेट बंद करने से फ़र्क पड़ता है। इंटरनेट तो आज बंद किया है, ज़्यादातर तो इंटरनेट वहाँ पे पहले से ही बंद है, बहुत सारे नेटवर्क वहाँ पर काम नहीं करते, शायद आइडिया और वोडाफोन के अलावा वहाँ पर कोई काम ही नहीं करता इंटरनेट। तो इस तरह के हथकंडों से, इस तरह के फर्जीवाड़े से ये आंदोलन छोटा होने वाला नहीं है, और आप लोग इस बात का सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं है कि ये कोई सांप्रदायिक आंदोलन या देश के खिलाफ आंदोलन है। आज दिल्ली की सड़कों पर लहराने वाले लाखों तिरंगों ने इस बात का सबूत और जवाब दे दिया है, सरकार को भी, मीडिया को भी और अंधभक्तों को भी।